महाराष्ट्रमां आगामी त्रण दिवस वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। आगामी त्रण दिवस भारे वरसादनी आगाही कराई छे। गीर सोमनाथ अने पोरबंदरमां वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। तो आ तरफ द्वारका जूनागढ़मां पण हळवाथी भारे वरसादनी आगाही हवामान विभागे व्यक्त करी छे। अमदावाद गांधीनगरमां हळवा वरसादी झापटा पड़शे। दक्षिण गुजरात उत्तर गुजरातमां पण वरसाद वरसी शके छे। अगले तीन दिन में गुजरात स्टेट में काफी सारा जगहों में बारिश होने का संभावना है और हेवी रेनफॉल भी होने का संभावना है। डे थ्री का बाद डे फोर डे फाइव में रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी। गिर सोमनाथ जूनागढ़ पोरबंदर में और हेवी टू वेरी हेवी रेन हो सकता है। द्वारका राजकोट अमरेली में होने का संभावना है। इवन दीव में भी होने का संभावना है। उसका वजह ये है कि लो प्रेशर एरिया एक बना हुआ है कोस्टल एरिया ऑफ सौराष्ट्र में एंड अडजनिंग एरिया में। वो लो प्रेशर की वजह से कोस्टल सौराष्ट्र में अच्छी खासी बारिश रहेगा। हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का संभावना है और गुजरात रीजन में भी आइसोलेटेड हेवी टू वेरी हेवी रेन होने का संभावना है, लेकिन गुजरात रीजन में ज़्यादा खतरा नहीं है। अहमदाबाद में कैसे? अहमदाबाद में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकता है आफ्टरनून और नाइट को, इवनिंग और नाइट को हो सकता है। मैडम डेफिसिट का क्या सिनेरियो है? अभी मोस्टली गुजरात रीजन में कुछ तो बारिश हो गया है और उसका डेफिशिएंट अभी फिलहाल 37% डेफिशिएंट है। फिशरमैन के लिए अगले 48 आवर्स के लिए वार्निंग है। कोस्टल के लिए वार्निंग है, पोर्ट वार्निंग है। LC3 सिग्नल लगाया गया है, पोर्ट को भी सिग्नल इश्यू किया गया है, फिशरमैन को भी वार्निंग इश्यू किया गया है अगले दो दिन।